नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्म गांव मंडोरी डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। और यहां पर हम आए हैं प्रताप सिंह जी के डेयरी फार्म पर। और ये डेयरी फार्म है, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा डेयरी फार्म है और लगभग सभी पशु जो हैं इनके पास अच्छी क्वालिटी के हैं। आज बिजली की सुविधा नहीं थी इसीलिए पशुओं को नहलाया नहीं गया है, इसीलिए पशुओं को हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम प्रताप सिंह जी से एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर शेयर करेंगे, क्योंकि पशुपालकों की जब भैंसे ब्याती हैं या गायें जब बच्चे को जन्म देती हैं तो पशु जेर नहीं गिराते हैं, प्लेसेंटा की प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए सर जी से आज एक हम अच्छा नुस्खा जानेंगे। तो नमस्कार जी। हाँ भाई, तो आपका नाम बताओ। प्रताप सिंह। कौन से गांव से बोल रहे हो? मंडोरी से। मंडोरी गांव से प्रताप सिंह जी। और आप बताइए कि यदि कोई पशु जेर नहीं गिराता है तो उसके लिए क्या दवाई हो सकती है? भाई ये शेर खीस निकाल ले मैं इसका। शेर मतलब? एक किलो खीस। हाँ, और उसमें थोड़ा गर्म पानी मिला ले। अच्छा, गर्म पानी। हाँ, आज फिर आधा किलो। आधा किलो गर्म पानी, एक किलो खीस, एक चम्मच टाटा नमक का जो रोटियां में डालते हैं नमक। हाँ, वो मिला करके इसमें पिला दी। अच्छा, तो एक चम्मच टाटा नमक। हाँ, एक किलो खीस। हाँ, और एक किलो के आधा किलो के लगभग पानी। हाँ, गरम उसको गर्म कर ले और उसमें क्या करना? मिला करके। अच्छा, पशु को पिला देना। तो कितनी देर में जेर डाल देगा? बैठते ही डाल देगा। अच्छा, बैठते ही डाल देगा। तो देख सकते हैं इन्होंने एक बहुत ही अच्छी जानकारी दी है कि यदि पशु जेर नहीं गिराता है तो इस तरीके से भी जो है बिल्कुल साधारण सा फार्मूला है। और यदि इसके बाद भी कोई पशु जेर ना गिराए तो? ना गिरा देगा। अच्छा, डाल ही देता। हाँ। तो आपने लगभग कितने साल हो गए बाबू जी पशु रखते हुए? हमने भाई पचास साठ साल हो गए। और अभी डेयरी कितने दिनों से की है? छह सात साल से। तो लगभग कितने पशु हैं आपके पास? होंगे 30 छोटे मोटे। छोटे मोटे 30 पशु। हाँ। और सभी दूध कितना हो जाता है डेली का? डेढ़ क्विंटल के करीब दूध हो जाता है। तो खर्चा आराम से निकल जाता है? बच जाता है। अच्छा, काम चल जाता है। तो देख सकते हैं बाबूजी का अच्छा साफ सुथरा काम है और अच्छे पशु यहाँ पर रखते हैं और जेर गिराने का एक अच्छी जानकारी हमें दी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बाबूजी हाथ जोड़ करके नमस्कार कर दीजिए।